थैंक यू, आई एम ग्लैड। हम सीन के बारे में जानना चाहेंगे जहां देखा है कि घर में जो है काफी ज्यादा दारू को लेके एक माहौल क्रिएट हो गया, क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली कुछ इंसिडेंट हुआ है, घर में कुछ फंक्शन चल रहा था और किसी ने कोई शरारत कर दी और हमारी जो मिनी थी उसकी होने वाली सास की ड्रिंक में या शरबत में किसी ने अल्कोहल डाल दिया और फिर उसके बाद अलग ही दुनिया में झूम रही थी और जैसे तैसे करके पूरे घर वालों ने संभाल लिया, डांस वगैरह किया। फिर फाइनली जानकी माँ को पता चला कि ऐसा किसी ने कुछ किया है, उसके पीछे वजह है जिसकी वजह से हुआ है, बट वो अभी रिवील नहीं कर रहे हैं, वो आप देखेंगे आगे। बट ये सब हुआ है, किसी बच्चे ने हरकत की है घर में और अभी जानकी माँ हम सबकी क्लास ले रही है। अब किसने क्या किया है वो भी बाहर आएगा। जैसे टिपिकल फैमिलीज में ड्रामा होता है, कोई बोलेगा कि आपके बच्चे ने ऐसा किया तो आपका बच्चा तो सबसे अच्छा है, एवरीबडी कहते हैं ना कि देयर इज ओनली वन गुड सन एंड एवरी मदर हैज इट, तो वैसे ही हो रहा है यहाँ पे भी। कोई कह रहा है कि नहीं मेरे बेटे ने ऐसा नहीं किया, मैं कह रही हूँ कि मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, कोई कह रहा है किसी का उसका बेटा ऐसा नहीं हो सकता, सब यू नो इट्स अ फैमिली थिंग, ऐसे फैमिली में होता है, कोई किसी पे इल्जाम लगा रहा है, कोई किसी पे, अपने पे कोई कुछ नहीं लेता, तो सेम यहाँ पे भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि सारी जो भी हमारी इंडियन फैमिलीज है बहुत कनेक्ट करेंगी क्योंकि हर फैमिली में कुछ ना कुछ होता ही है। दुनिया में इंसान है और इंसानों के रिश्ते होते हैं और सबकी फीलिंग सेम होती है और सबके साथ कहीं ना कहीं सिमिलर चीज़ें होती रहती है, तो आई थिंक कि लोग काफ़ी रिलेट करेंगे। काफ़ी सारी फैमिलीज में ऐसे होता है, घर टूटता है, घर जुटता है, भाइयों में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, बिछड़ जाते हैं, फिर मिलते हैं, तो वो सब है इसमें मेरे ख्याल से, लाइक आई रिलेट टू इट। हमारी भी फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है तो आई कुड रियली यू नो कनेक्ट विद इट, तो मेरे ख्याल से अगर मैं कर सकती हूँ तो एवरीबडी कैन कनेक्ट टू समथिंग और द अदर थिंग इन दिस शो। आई वुड से कि उसको प्यार दीजिए, हमारे शो को देखिए, बहुत ही घरेलू शो है, ज़्यादा कुछ जैसे सास बहू का ऐसा कुछ जो रन ऑफ द मिल ड्रामा नहीं है, बहुत ही प्यारा सा फैमिली शो है, भाइयों की बॉन्डिंग है, बहुएं हैं जो बहनों की तरह रहती है, तो बहुत कुछ है इस शो में, इसको प्यार दीजिए, इसको सराहिए और हमारे साथ रहिए। थैंक यू।